नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। लोकसभा चुनाव 2019 में आखिरी चरण का मतदान खत्म हो चुका है। वही न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए शाम जारी ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से भाजपा सरकार बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान 11 अप्रैल से 19 मई तक चला। वोटों की गिनती और साथ ही परिणामों की घोषणा 23 मई को होने वाली है। बता दें कि लोकसभा में कुल 542 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 272 सीटें लानी होगी। लोकसभा की 543 सीटों में से 542 सीटों के लिए मतदान के बाद 15 में से 12 मीडिया के जरिए स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में काबिज करता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले बहुमत में बहुत पीछे दिखाया गया है। वहीं अन्य दलों की 59 में से 159 तक सीटें मिलने की अनुमान व्यक्त की जा रही है। वहीं अब तक मीडिया में एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तभी से विपक्ष एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमकर निशाना साधा जा रहा है कि इस तरह का मीडिया कैसे एग्जिट पोल दिखा सकता है, जबकि चुनाव आयोग द्वारा ये एक गोपनीय तरीके से चुनाव कराया जाता है। लेकिन एग्जिट पोल से तो साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। सारे न्यूज चैनल, सारी गोदी मीडिया यही दिखा रही है कि बीजेपी फिर से बहुमत लाकर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। 2004 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार के फिर सत्ता में आने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उससे उलट आया। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में आडवाणी के नेतृत्व में जिस वक्त बीजेपी कांग्रेस से लोहा ले रही थी, उस वक्त एग्जिट पोल में ये तो भाप लिया गया था कि बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आ रही है, लेकिन सही आंकड़ों के साथ कोई भी चैनल तब उस वक्त सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार चुनाव जो कि 2019 का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इस तरह से मोदी को दिखा रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सत्ता में काबिज होने वाली है। आलम यह है कि एक चैनल ने एग्जिट पोल ने सबसे ज्यादा सीटें 218 जबकि असल में यूपीए को मिली 262 सीटें है। वहीं 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल सही अनुमान लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को प्लस और जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर बढ़त बताई गई थी, लेकिन नतीजा ठीक उलट आया। तमिलनाडु में भी यही हुआ। यहां ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने यह अनुमान लगाया कि जयललिता की पार्टी AIADMK बुरी तरह हार रही है, लेकिन परिणाम उससे उलट हुआ। 2018 में भी छत्तीसगढ़ ने तो एग्जिट पोल की पोल खोल कर रख दी। वहां इंडिया टुडे को छोड़कर लगभग सभी एजेंसियों ने भाजपा को बहुमत के करीब बताया था। इंडिया टुडे ने अपने अस्पष्ट आकलन के कारण बीच का रास्ता अपनाया था लेकिन उसमें भी भाजपा की इतनी परिणाम इस अनुमान से बिल्कुल उलट था। भाजपा को 35 में से 50 के बीच सीट देने वाली एजेंसियों के सारे अनुमान गलत साबित हो गए। जिस तरह से मीडिया पिछले 5 सालों में इनके फेंके हुए टुकड़ों पर पल रही है, ये मत सोचिए कि इस बार भी वही रिजल्ट आने वाला है। नतीजे से पहले गोदी मीडिया ये नौटंकियां दिखाती रहेगी। आज से 22 मई तक ये नौटंकियां चलती रहेगी, लेकिन असलियत क्या है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। कौन सी सरकार सत्ता में काबिज होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। किसकी सरकार बहुमत से या गठबंधन वाली सरकार बनती है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर मीडिया पर निशाना साधा। सिंह ने टाइम्स 9 के एक एग्जिट पोल को शेयर करते हुए लिखा, अब साफ हो गया है ये एग्जिट पोल या तो नशे की हालत में बनाया गया है या घर में बैठकर बनाया गया है। वही बीजेपी वालों से रिश्वत खाकर बनाया गया है। जहां आप लड़ नहीं रही है वहां 2.9% वोट कैसे मिल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। गांजे की बिक्री पर रोक लगाओ आप नेता ने टाइम्स 9 के जिस एग्जिट पोल को लेकर निशाना साधा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को 2.9% वोट शेयर मिल सकता है। हालांकि टाइम्स 9 के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहां कोई सीट नहीं मिल पाएगा। सिंह का कहना है कि जब उत्तराखंड में जब आप चुनाव लड़ ही नहीं रही है तो उसे 2% वोट कहां से मिलने की भविष्यवाणी की गई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए कि एग्जिट पोल क्या है,
किसकी सरकार बहुमत से बनने वाली है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।